अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है मेरे सारे भैन भरा। उम्मीद करनी है मेरे सोहने अल्लाह को बिल्कुल ठीक होणगे ते बिल्कुल वधिया होणगे, ते जिन्हां दे घर तकलीफां ने अल्लाह पाक सब नूं सुकून देवे ते सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे ते अल्लाह पाक सब दे घरां च करम बणाई रखे। बच्चे का मूड खराब है, मूड खराब क्या हुआ इसका? वो सो के उठा है ना, इसलिए मूड खराब है। और ये वैसे भी आपको बोल रहा है कि मुझे लेके चलो बाय। नहीं, वो चीजी नहीं गया हुआ। हाँ, पैसे इसके कहाँ है? तुम्हारे पैसे कहाँ है? किधर है? चलो नोज का एक्शन लगा के दिखाओ सबको। नहीं नहीं, अभी मोड़ नहीं है तो चले चले। हाँ जी, तो आप हूँ ना साग बनाने लगे हैं, साग में तड़का लाने लगी हैं। ये घी है और ये कुछ प्याज काट के रखा, और वो साग दो बॉल में इसलिए लेके आए क्योंकि पहले थोड़ा निकाला था, फिर मैंने कहा ये तो कम पड़ेगा तो साथ और निकाल लिया जी। अपा कल कल मैंने साग बनाया था, कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन कल खाया नहीं था क्योंकि वो हमने ना न्याज की देख बांटी थी ना, तो कल सबने चावल ही खाए थे तो इसलिए साग किसी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि घर में रोटी तो बनी नहीं थी तो फिर साग किसी ने भी नहीं खाया। तो अज हुण जी आपां साग नूं तड़का लाने आ ते फिर सारे हम देने हैं। 800 रुपये किलो है। एक फुलका बड़ा अरविंद, ये देसी घी है। अबे डेढ़ भरा है। अच्छा, केड़े बंदे के है? देसी घी देख लो। ये जी मारी कढ़ाई वाली लेके आया, कह रहा मैं देसी घी की लेके आया, मुझे नहीं लग रहा देसी घी। टेस्ट करके देखो। अली मसाला ही लेना तो असि मसाला ही ले रहे हैं। हां जी, क्योंकि अली साहब जो है ना उन्हें मसाला खाना बहुत है। बहुत है। अब तो सर्दी है और अगले चार दिन खुलाए मोने उतराए हो क्या कर मोने दिन नहीं कट। हाँ जी, तो साड़ी रोटी लग चुकी है। ए जी साग है ते रोटियां तंदूर दियां ने ते नाल अली साहब जड़े ने। ए जी इन्हां दे मामे ने कढ़ाई मंगवाई सी उथू लै के आया ते दही भल्ले। ते हुण मेरी गल सुनो, जिहड़ा आपां साग बनाया है ना, ऐ तुसीं पूरे 10 दिन खाना। जे जिहड़े बंदे ने ना खाया ना, जाके बाहरों लैके खा लवे। मैं हांडी हुंडी कोई नहीं। 10 दिन तो थोड़े ने, 20 दिन खावांगे असीं। हनी दे आ तूं वी खा, 20 दिन खावोगे पक्का। हां चंगा, फिर तुसीं हुण ना नहीं लैणा कि कोई हांडी बना। मेरे वास्ते कढ़ाई लैंदी रख्या जे, मेहरबानी होई। लेकिन प्याज़ा आ बनाना चाहिदा उंज नहीं। प्याजा तू 20 दिन खा लवेगा पक्की गल जी। है हुण बंदा तुसीं सारिआं ने अगवाह रहना है कि यह बंदा गल कर रहा है कि मैं पूरे 20 दिन जिहड़ा है ना साग खावांगा जिहड़ा तू पकाया। तो इत्थे ते अज ही नाल दही भल्ले वी आ पैन ते हर चीज़ आई। पतला आ गया, आ जाओ तला, इधर आ जाओ मेरा बीबी छोना, इधर आ के बैठ के खा छालों के छाछ। अच्छा, इसकी बहुत प्यारी आदत है माशा अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। हम खाना खाने बैठे ना, इसको एक नवाला दे दें और ये वो लेके आराम से बैठ जाएगा जैसे कि उसके हाथ में, और फिर बीच बीच में से कोशिश करता लेगा कि उसके अंदर लगाऊं और मैं भी खाऊं। और अली साहब जो है उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी और अब उसे वो पता नहीं मेडिसन है भी खा खा के ना उसे ना एलर्जी होने लग गई है, और ये गाल के नीचे जो है ना ये फिंसी टाइप कुछ निकला है। बस दुआ करें अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। एक बीमारी जाती है एक आती है, इसलिए तो मैं फिर सदका भी दिता सी ते अल्लाह पाक कबूल करे। ते अज दी जी साडी छोटी जी वीडियो सी, ते जे तुहानू चंगी लगी होवे ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिया, ते वीडियो साडी नूं लाइक कर दिया। ते तुहाडी बड़ी मेहर बनी होवेगी, तुहाडा जावेगा कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।